देखे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, लेट एन बी नेचुरल नंबर सच दैट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब यहाँ पर हमें जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है वो हमें फाइंड करना है अगर एन जो है वो नेचुरल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/n। ठीक है, सबसे पहले हमें अगर n जो है वो नेचुरल नंबर है इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 42। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो देखें यहाँ पर 21 प्लस 14 प्लस 6 डिवाइड बाय 42 इज इक्वल टू 1/n, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 41 डिवाइड बाय 42 सॉरी प्लस 1/n प्लस 1/n वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो इस तरह से हो जाएगा। सो n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये जो है नेचुरल नंबर है सो n हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 42 देंगे, 42 सो यहाँ पर n इज इक्वल टू रहेगा 42। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड बाय n, ठीक है, जो मतलब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो 2 है वो जो n है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 42 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, सो ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देख ले, 3 डिवाइड बाय n, जो 3 जो है वो भी 42 जो है वो 3 से भी डिवाइड होते हैं, सो ये भी है, एंड 7 से भी डिवाइड होते हैं, सो ये भी है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, जो n है वो 84 से जो है वो ज्यादा है, 84 से मतलब बड़ा है, सो 42 जो है वो 84 से जो बड़ा है वो नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो गलत है, सो ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर है ये नॉट ट्रू, जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।